जहन दोस्तों, अब होगी अंग्रेजी प्रथा खत्म, यानी कुछ जातियों का वर्चस्वता फौज में, जिनको लड़ाकू जाति समझकर बहुत बड़ी वैकेंसी दी जाती थी, अब वो होगा खत्म। सिर्फ भर्ती होगी अखिल भारतीय स्तर पर, कि यदि आप एक भारतीय हैं और आपकी जात भारतीय है तो आपको भर्ती किया जाएगा। यानी चाहे आप इसको बदलाव समझ सकते, चाहे जातियों की बहुत सारी डिमांड है, आपने देखा होगा मुझे अहीर रेजिमेंट चाहिए, मुझे राजपूत रेजिमेंट चाहिए, मुझे फलाना रेजिमेंट चाहिए, मुझे फलाना रेजिमेंट चाहिए, लेकिन शायद इस आप इस लेवल पे आपने हमने सबने नौकरी किया है, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक यूनिटी होती है, बड़ी स्ट्रेंथ होती है, बड़ी ताकत होती है, एक मोटो होता है, जो एडिशनल एक मोटो होता है जाति का, लेकिन शायद अब इसको भारतीय सरकार, भारत सरकार खत्म करने जा रही है। और इन्होंने बहुत शानदार तरीका निकाला जिसको किसी के ऊपर प्रभाव पड़े। इन्होंने कहा है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी के लड़के आएंगे, जिन जो भर्ती होंगे, वो किसी भी यूनिट में जा सकते हैं, चाहे वो कौमी पलटन है, चाहे कोई हो, और इसी तरह रेगुलर भर्ती करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मिक्स यूनिट हो जाएंगी, चाहे वो इन्फेंट्रीज में, आरटी में है, और किसी ज्यादातर इन्फेंट्री आरटी में आपको मिलेंगी, बाकी कोर वगैरह में तो आप देखते हो सारा मिक्स रहता है सारा सिस्टम। लेकिन दोस्तों, कितनी बड़ी चालाकी से कौन सी चीजों को खत्म किया जा रहा है और किस चीजों पर निशाना साधा जा रहा है, यानी टारगेट सामने कुछ और दिखता है और होता कुछ और है, ये है इस सरकार की सदी हुई नीति। यस, मैं मानता हूं अंग्रेजी प्रथा को खत्म किया है, तो सहायक प्रथा को क्यों नहीं खत्म कर रहे। और दूसरी ऐसी चीज है जिससे जवान आहत है, परेशान है, आप इसको क्यों नहीं खत्म करने की पहल कर रहे, उसको कब करोगे खत्म? हम करेंगे उस खत्म होने का इंतजार जिससे फौज में तमाम युवा जो सर्विस करना चाहते हैं बट इस कुप्रथा के चलते वो छोड़कर आ जाते हैं, उनकी मजबूरी होती है कि वो अपने आप से समझौता नहीं कर पाते। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो पर मुझे चाहिए कमेंट्स।